आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसको अप्लाई करने से आपके जो लिप्स हैं वो परमानेंट पिंक हो जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज शफक एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपके साथ एक ऐसी टिप शेयर करूँगी जिसको अप्लाई करने से आपके जो लिप्स हैं वो परमानेंटली पिंक हो जाएंगे। सो इट्स वेरी ईजी और इस चीज़ के लिए आपको सिर्फ दो चीज़ें चाहिए। एक आपको चाहिए ये बीटरूट, एक आपको चाहिए बीटरूट, ये मैंने यूज़ की हुई है। सो देखें, ये मैंने इसको पहले यूज़ किया हुआ है। और आपको चाहिए ये लेमन, देखा कितनी आसान है ना। बिना देर किए जल्दी से इसको स्टार्ट करते हैं। इसके लिए क्या करना है कि पहले आपने कोई भी वैसलीन ले लेनी है और कोई भी ओल्ड टूथब्रश ले लें या नया ले लें। तो आपने क्या करना है, आपने इस टूथब्रश को वैसलीन में डिप करके अपने लिप्स पे यूं करके मसाज करना है 5 मिनट्स तक। और ये चीज़ आपने डेली करनी है, बेशक आप रात को सोने से पहले कर लें या मॉर्निंग में कर लें। इसको अच्छे तरीके से 5 मिनट्स मसाज करने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से गीले टॉवल से वाइप कर लें इसके बाद। लेकिन इस बात का खास ख्याल रहे कि आपने जो इसको स्क्रबिंग करनी है ये बहुत ज़्यादा हार्श नहीं करनी चाहिए। आप चाहें तो आप हनी से भी कर सकते हैं, लेकिन हनी जो है वो टूथब्रश से इतनी आसानी से निकलता नहीं है। जो मैं ये वैसलीन यूज़ करती हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है, हर रात को सोने से पहले, ये भी आपने डेली करना है, आपने क्या करना है, आपने बीटरूट का इस तरह का एक पतला सा स्लाइस काटना है, जैसे मैं आपको काट के बताती हूँ। ये देखें, ये बहुत ही पतला सा मैंने इसका स्लाइस काट लिया। और आपने क्या करना है, आपने इसके ऊपर जो लेमन है ना, आप इसके ऊपर जाते या तो यूँ निचोड़ लें या इसके ऊपर यूँ रब कर दें दोनों साइडों पर। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको अपने 5 मिनट्स तक अपने लिप्स पर लगाना है। थोड़ा मैसी होगा बट इट्स ओके। और इट्स वेरी टेस्टी और ये बहुत मज़े का भी है। इस तरह हमने इसको 5 मिनट तक अपने लिप्स पे लगाना है। पाँच मिनट तक अपने लिप्स पे इस तरह इसको लगाना है और आपने इसको धोना नहीं है, आपने ऐसे ही सो जाना है। और सुबह उठने के बाद आपने इसको अच्छे गीले टॉवल से आपने वाइप कर लेना है या आप फेस वॉश कर लें। और उसके बाद आपने क्या करना है, मैं आपको इसका एक लिप बाम बनाना सिखाती हूँ। मैं आपको बताती हूँ कि वो कैसे आपने बनाना है। इसके लिए हमें क्या करना है कि हमने ये चुकंदर को कद्दूकश कर लिया, ये देखें हमने इस बीटरूट को अच्छी तरीके से कद्दूकश कर लिया। अब हम इसका जूस निकालेंगे। जूस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमने इस तरह का बोल लेना है और उसमें हमने इसको चुकंदर का हमने जूस निकाल लेना है। कोशिश करें कि आप हाथों पे कोई ग्लव्स पहन लें ताकि आपके हाथों पे इसका रंग ना चढ़े। आप चाहें तो स्पून से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इसको हाथों से प्रेस कर करके इसका जूस निकालूंगी। हमने इसका जूस निकाल लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसके अंदर वैसलीन मिक्स करेंगे। वैसलीन का 1 टेबलस्पून हम ये इसमें मिक्स करेंगे। और भी मिक्स कर सकते हैं, 1 टेबलस्पून मिक्स करेंगे। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। ये मिक्स करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक गरम पानी का बोल लेंगे और उसमें इस बोल को रख के डबल बॉयलर बना के हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। ये देखें ये मेल्ट हो गई है अच्छे तरीके से। और अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो हम इसको हमने इस बात का ख्याल करना है कि हमने इसको माइक्रोवेव में गर्म नहीं करना ना इसको हीट करना है। इसको हमने हमेशा डबल बॉयलर में गर्म करना है। जब ये यूँ अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ दें। और उसके बाद आपके पास अगर कोई इस तरह का कंटेनर है तो आप उसमें ये डाल के सेव कर सकते हैं।
सो गाइस ये हमारी लिप बाम तैयार हो गई हुई है। और आपने क्या करना है, आपने क्या करना है कि जब भी आप सुबह उठेंगे, मुंह वॉश करेंगे, तो आपने ये लिप बाम अपने लिप्स पे लगा लेनी है। उसके बाद इसको अपने पर्स में रख सकते हैं, और जब भी आपके लिप्स ड्राई हों या आपको फील हो रहा हो तो आप इसको लगा सकते हैं। इस लिप बाम यूज़ करने के बाद आपको लिपस्टिक की भी ज़रूरत नहीं होगी। तो गाइस इसको आप आसानी से महीने आराम से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये मेरी रेमेडी अच्छी लगी है। सो गाइस आप टिप को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसे लगी। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। गाइस अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।